बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड के तरंगा पंचायत में जमीन की मापी करने पहुंचे अंचल कार्यालय के कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा। एक ही जमीन पर दो पक्षों के दावे के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा पक्ष मापी नहीं करने देने पर अड़ा रहा, जिसके बाद चंद्रपुरा थाना पुलिस ने अंचल कर्मचारी को दोनों पक्षों से बातचीत कर अगली तारीख तय करने की बात कही। एक पक्ष का कहना था कि जमीन मापी की जानकारी उन्हें अंचल कार्यालय से नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार का नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ, जबकि जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि अनुमंडल अधिकारी के आदेश से जमीन की मापी कराई जानी है, इसलिए जमीन की मापी होनी चाहिए। दोनों पक्षों को शांत कराते हुए अंचल कर्मचारियों ने पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों से बातचीत की और अगली बार नोटिस देने के बाद ही जमीन की मापी करने की बात कही। पर्चा दिया गया था ना, है ना, हो गया ये जो पहले का है ना जी, कब का है ये? पहले का तो वो कहे ना, मामला अब नहीं चल रहा है, नहीं चला तो मामला आगे बढ़ा, उसको भी अंदर तक था पुलिस का। नाते इसलिए नहीं हुए हम लोग तरफ से, यही है कि हम लोगों को कोई सूचना या कोई लिखित नहीं दिया गया था, जिसके लिए हम लोग ने नापी के लिए रोक लगाई। और हम लोगों की जो जमीन है वो 1945 और एक पेपर 1947 का है, जो डीड नंबर गिरिडीह कोर्ट से रजिस्टर है। उसमें से तो हमले की तरफ से तो नापी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने रख दिया कि हमको नोटिस नहीं मिला, जिसके चलते ये मामला रुक गया है। अब सीआई साहब मजिस्ट्रेट बन के आए हैं, ईद अपना बॉस को देंगे खबर, बॉस चाहे इसको निर्णय कर सकता है या इसको 353 में भेज सकता है। क्या बात हुई और क्या वजह? हम लोग अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 259 दिनांक 1/9/24 के आदेश से माफी के लिए जमीन पर आए थे मौजा तरंगा में। यहाँ द्वितीय पक्ष के लोगों के द्वारा भारी विरोध को देखते हुए माफी को अभी स्थगित किया गया है और द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा बताया गया है कि हम लोगों को किसी प्रकार का नोटिस सूचना नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए सूचना मिलने पर अगला बार जब भी तारीख होगा हम लोग के द्वारा कोई विरोध। बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड के तरंगा पंचायत में जमीन की मापी करने पहुंचे अंचल कार्यालय के कर्मचारियों को वापस लौटना पड़ा। एक ही जमीन पर दो पक्षों के दावे के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा पक्ष मापी नहीं करने देने पर अड़ा रहा, जिसके बाद चंद्रपुरा थाना पुलिस ने अंचल कर्मचारी को दोनों पक्षों से बातचीत कर अगली तारीख तय करने की बात कही। एक पक्ष का कहना था कि जमीन मापी की जानकारी उन्हें अंचल कार्यालय से नहीं दी गई और ना ही किसी प्रकार का नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ, जबकि जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि अनुमंडल अधिकारी के आदेश से जमीन की मापी कराई जानी है, इसलिए जमीन की मापी होनी चाहिए। दोनों पक्षों को शांत कराते हुए अंचल कर्मचारियों ने पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों से बातचीत की और अगली बार नोटिस देने के बाद ही जमीन की मापी करने की बात कही। पर्चा दिया गया था ना, है ना, हो गया ये जो पहले का है ना जी, कब का है ये? पहले का तो वो कहे ना, मामला अब नहीं चल रहा है, नहीं चला तो मामला आगे बढ़ा, उसको भी अंदर तक था पुलिस का। नाते इसलिए नहीं हुए हम लोग तरफ से, यही है कि हम लोगों को कोई सूचना या कोई लिखित नहीं दिया गया था, जिसके लिए हम लोग ने नापी के लिए रोक लगाई। और हम लोगों की जो जमीन है वो 1945 और एक पेपर 1947 का है, जो डीड नंबर गिरिडीह कोर्ट से रजिस्टर है। उसमें से तो हमले की तरफ से तो नापी होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने रख दिया कि हमको नोटिस नहीं मिला, जिसके चलते ये मामला रुक गया है। अब सीआई साहब मजिस्ट्रेट बन के आए हैं, ईद अपना बॉस को देंगे खबर, बॉस चाहे इसको निर्णय कर सकता है या इसको 353 में भेज सकता है। क्या बात हुई और क्या वजह? हम लोग अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 259 दिनांक 1/9/24 के आदेश से माफी के लिए जमीन पर आए थे मौजा तरंगा में। यहाँ द्वितीय पक्ष के लोगों के द्वारा भारी विरोध को देखते हुए माफी को अभी स्थगित किया गया है और द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा बताया गया है कि हम लोगों को किसी प्रकार का नोटिस सूचना नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए सूचना मिलने पर अगला बार जब भी तारीख होगा हम लोग के द्वारा कोई विरोध।